हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 का देखेंगे डिटरमिनेंट टॉपिक, और उसके लिए वीडियो नंबर 6 लेकर हम आपके सामने आए हैं। हम इसमें आपको सारणी के गुण बता रहे थे, और ये दोस्त गुण नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5 है। आपको याद होगा, अगर आप सिक्वेंस में मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये मालूम होगा कि ये वीडियो नंबर 6 है और प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो इसमें हम और आगे प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, बस सिंपल एक काम करना है, और कैसे करना है मैं आपको सिखलाता हूँ, और बहुत ईजी है। और आप देखिए, उछल उठिएगा तुरंत, इसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ। देखिएगा, आप कॉपी कलम निकाल करके लिखिए, और क्या लिखिएगा सुनिए। किसी भी वर्ग आव्यूह A के लिए, किसी भी वर्ग आव्यूह A के लिए डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू उसका A इनवर्स, यहाँ सॉरी दोस्त A इनवर्स नहीं, A का ट्रांसपोज मतलब A का परिवर्त और उसका डिटरमिनेंट, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात समझ आई? फिर से मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक आव्यूह दिया है 2, 4, 6, 8, जैसे इधर बना ही देते हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। जैसे मान लेते हैं दोस्त, A इक्वल टू दिया है 2, 4, 6, 8 करके इस तरीके से दिया है। ओके, 2, 4, 6, 8 है। अब हम अगर इसका डिटरमिनेंट A निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल लिखेंगे, इसलिए डिटरमिनेंट A इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, इसको अब हम इस साइड में रखेंगे। ओके, चलिए उसके बाद फॉर्मूला आपको पता है, 2 में 8 से मल्टीप्लिकेशन कराना है, फिर माइनस लगाना है 6 में 4 से। ओके, 2 8 16, डन, बहुत अच्छा, 6 4 24, ओके नो प्रॉब्लम, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिएगा दो, सिंपल यहाँ पर अब घटेगा तो -8, मतलब डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितना आया, -8 आया, सिंपल है कि नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसे करने पर, यानी A का परिवर्त निकालने पर, A का ट्रांसपोज निकालने पर, क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं, लिखेंगे अब A का ट्रांसपोज। ओके, तो मैंने आपको सिखलाया है ट्रांसपोज को कैसे किया जाता है, ऐसे है तो ऐसे और ऐसे है तो ऐसे, सिंपल मैंने बताया है। तो 2, 6 हो जाएगा, 2, 6, फिर देखिए ये ऐसे, यानी कि 4 और 8, ठीक है। अब सिंपल एक काम करेंगे, इसका अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो अब इसको इस साइड में रखेंगे, 2, 6, 4, 8। ओके, क्लियर है बात। अगेन हम गुना करते हैं, तो देखिएगा 2 में 8 से करना है, फिर माइनस 4 में 6 से, तो सिंपल देखिए 16 माइनस 24, तो घटाइएगा तो कितना दोस्त, -8 होगा ना। तो इस बात से हमें यह समझ आया, लास्ट में लिख देंगे दोस्त, अतः क्या लिखेंगे, अतः डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A का डैश, ये रहा आपका प्रूव्ड। तो आज के बाद ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि किसी भी वर्ग आव्यूह A के लिए A इक्वल टू A का ट्रांसपोज और दोनों का डिटरमिनेंट निकालने पर दोनों के दोनों इक्वल आता है। ये बात समझ आई? तो ये दोस्त प्रॉपर्टी नंबर 5 था, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तो इसको रफ करते हैं। अब देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर सी क्या कहता है, वो भी बहुत इजी है और बहुत आसान से हम उसको भी प्रूफ करने वाले हैं, और वो भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार बिहार बोर्ड ने उसको रिपीट किया है। तो सुनिएगा दोस्त, आप उसको लिखने जा रहे हैं, कॉपी कलम निकाल करके लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, और लिखिए किसी भी वर्ग आव्यूह A के लिए, किसी भी वर्ग आव्यूह A के लिए डिटरमिनेंट I इक्वल टू 1। देखिएगा ध्यान, इसका मतलब क्या है, I का मतलब समझ रहे ना, तत्समक आव्यूह है। I क्या है दोस्त, तत्समक आव्यूह है। चलिए अब इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। अब देखिएगा दोस्त, इसको अब देखिएगा ध्यान से, अब एक बात यहां पर एक और क्लियर कर दो दोस्त, नोट में करके इधर लिख लीजिए, किसी भी कोटि के लिए डिटरमिनेंट I इक्वल टू 1 होता है, मतलब वो चाहे
एक और बात, हाँ इधर लिख देते किसी भी, इधर थोड़ा सा अच्छा से लिख देते, किसी भी वर्ग आव्यूह ए के, किसी भी वर्ग आव्यूह ए के कोटि के लिए, लिख लीजिए नोट करके फिर से, किसी भी वर्ग आव्यूह ए के कोटि के लिए डिटरमिनेंट आई इक्वल टू वन होता है, जहां आई इक्वल टू तत्समक आव्यूह है। और ये तत्समक आव्यूह क्या होता है मैंने आपको सिखलाया है ये जब मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तब, और एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करा दूँ, दो बाई दो में, दो बाई दो में आई इक्वल टू हम लिखेंगे हैं आव्यूह के रूप में 1001, ठीक है। अच्छा तीन बाई तीन में दोस्त हम देखिए इसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा राइटिंग क्लियर कर दूँ इधर दोस्त, देखिएगा तीन बाई तीन में कैसे लिखते हैं समझिएगा, आई इक्वल टू सिंपल 1001001001 इस रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना, ये सभी को पता है। अब बस इसको आप अगर सोल्यूशन करते हैं, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा हमेशा वन के इक्वल आएगा। इस बात को थोड़ा इधर प्रूफ कर देते हैं, मैं दो बाई दो कोटि के लिए प्रूफ करता हूँ, तो 4 2 बाई 2, ठीक है, आप बैठे बैठे लॉकडाउन में आप 3 बाई 3 कोटि के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 बाई 2 के लिए करते हैं, तो 2 बाई 2 के लिए I इक्वल टू आव्यूह के फॉर्म में अगर लिखें तो 1001, क्योंकि यहाँ पर ये होता है I का वैल्यू, जिनको नहीं पता होगा नोट में इधर करके लिख लेंगे, ठीक है। ओके अब मैं डिटरमिनेंट I लिखूंगा अगर, तो इसको भी इस रूप में लिखना है 1001, यानी इसको मैंने इस साइन में लिख दिया। ओके अब देखिएगा 1 में 1 से करना है -0 × 0, तो ये 1 - 0, इसलिए डिटरमिनेंट I किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये रहा दोस्त प्रूव्ड, यानी इस प्रकार से हमने प्रूफ कर लिया कि जो डिटरमिनेंट आई है उसका जो वैल्यू होता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर हम 5 और 6 बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से सीख लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सारे लोग जाने कि सच्चाई क्या है, मेन सच्चाई क्या है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।